नमस्कार दोस्तों, आज चंदे की किचन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे दोस्तों देखते हैं कि कोई भी रेसिपी इस समय अच्छे से छूट नहीं पा रहा है, तो आप लोग से कितनी बार वीडियो में बोल दिए हैं कि सभी लोग से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग बस इंतजार करिए कि हम ठीक हो जाए, तो अच्छी अच्छी रेसिपी आप लोग को बना के दिखाते रहेंगे। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है, तबीयत भी आपका खराब है, रेसिपी आप लोग का हमेशा छूटते रहता है कुछ ना कुछ। तो ऐसी बात है कि जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि जो भी वीडियो रहता है आप लोग से, तो जैसे हम बता दिए हैं कि नाश्ता में कुछ भी बनाते हैं तो बाबू वो रहते हैं तो रिकॉर्ड कर लेते हैं पहले उसको, तो वो रखा रहता है तो छूटने लगता है पहले। तो साक्षी के पापा जब देखते हैं कि कोई भी रेसिपी हमारे पास नहीं रह गया, इनका तबीयत खराब चल रहा है, तो छोड़ते, तो हमको मालूम नहीं रहता कि वीडियो छूटा है कि नहीं छूटा है। तो आप लोग कहते हैं कि आपका वीडियो भी छूटता है, आप कह रहे हैं कोई वीडियो भी नहीं छूट पाया है। तो जैसे देखिए हम आप लोग से बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी बात नहीं है, उनके पास रहता होगा तो वीडियो छोड़ देते हैं पहले। इस समय का कोई भी वीडियो ऐसा नहीं है कि बन पा रहा है, रेसिपी कोई छूट रहा है पहले। जो पहले का रहता है कि नीचे हम बनाते हैं गैस वैस पे तो रखे रहते हैं तो छोड़ देते हैं अपना। तो जैसे देख रहे हैं कि दवा हम जहाँ से करा रहे थे तो वहाँ से आप लोग से पहले बताए थे कि दवा सूट नहीं कर रहा था, फिर दूसरे डॉक्टर से हम दवा कराना शुरू कर दिए, फिर वो भी दवा नहीं सूट किया। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं इतना सारे दवा है, जो ये सब दवा जैसे देख रहे हैं कि मिला था, तो इसमें से हमारे को 3 इंजेक्शन लग गया था नस में, और 3 इंजेक्शन अभी बचा है यहाँ पर, और सारी दवाइयाँ भी बचा है। तो ये सब दवाई अब नहीं चलेगा, बंद हो गया है। तो फिर जैसे देख रहे हैं कि हम लोग गए थे आजमगढ़, आजमगढ़ से दवा लेकर हम आए हैं। तो आप लोग जैसे देख रहे थे कि ये तो आप लोग को दिखाए थे पहले का ये रिपोर्ट था, ये दोनों था रिपोर्ट, एक हफ्ते पहले का रिपोर्ट ये दोनों है। तो आप लोग को थोड़ी सा वहाँ पे हम 1 मिनट का रिकॉर्डिंग किए हैं बस, क्योंकि हमको शर्म लगता है रिकॉर्डिंग करने पे, कोई भी बोल देगा कि आप डॉक्टरी में आके क्यों रिकॉर्डिंग बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं पहले। इसलिए डरा डरा कि हम 1 मिनट का वीडियो बनाए हैं आप लोग को दिखाने के लिए पहले। तो यहाँ पे देखिए हमने ए वाला जो है, ए वाला सारा सोनोग्राफी जो है, सॉरी खून जाँच है, ये दो करवाए थे हम, एक हफ्ते में 2 जाँच करवाए थे पहले। बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, अब पेट में जैसे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि रात रात भर हम सो भी नहीं पा रहे थे, अभी भी दर्द हो रहा है पेट में। बाकी जब दवा खाएं, 3 खुराक हम दवा खा चुके हैं, तो आजमगढ़ हमने दिखाए तो उनका जैसे रहता है कि फीस 600 रुपये है उनका, तो मतलब बहुत बड़ा डॉक्टर वो भी हैं। तो यहाँ पे आप लोग को दिखा रहे हैं हम, ये आप लोग देख सकते हैं पहले। तो ये आजमगढ़ का जैसे था, तो हमारा अल्ट्रासाउंड हुआ है पहले, सोनोग्राफी आज हुआ है हमारा, ये तो देखिए यहाँ पर है। तो देखिए आप लोग ये जैसे देखते हैं, तो यहाँ पे जैसे था कि इसमें तो सूजन निकला है पेट में, तो पेट में जैसे ये भी रहता है कि दवा ज़्यादा हम खा भी लेते हैं गर्म दवा, तो उससे भी हमारे सूजन बन जाता है पेट में, घाव टाइप में हो जाता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, सूजन भी रहता है जब भी। तो वहाँ पर जैसे पेट में सूजन हो गया है तो इसका ये अल्ट्रासाउंड निकला, फिर उसके बाद हम लोग हमारा था वहाँ पर जैसे था, और सारी जाँच हुआ है, तो वो सब भी जाँच में जैसे था तो यही टाइफाइड निकला है, बुखार के जैसे था उसमें भी वही निकला पहले। तो जैसे आप जहाँ भी रिपोर्ट दिखाएंगे पहले, हर जगह का रिपोर्ट अलग अलग तरीके से निकलता है, आप सोचिएगा कि एक ही जैसे निकलेगा सारी जगह, तो ऐसा नहीं रहे, कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ भी देखिए ये सब रिपोर्ट भी है, यहाँ पर आप लोग को दिखाना चाहते हैं, देखिए पहले तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए सूजन है, पहले यहाँ पर सूजन निकला जाएगा, तो इसी जैसे रहता है कि बहुत ज़्यादा दर्द रहा, कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो रात रात पच भी नहीं रहा था हमको, पलटी हो जा रहा है। तो 15 दिन हो गया पहले, तो दाल का पानी जैसे डॉक्टर बोले थे, दाल का पानी पीने के लिए, एप्पल का जूस जैसे था ये सब पीने के लिए बोले हैं, तो एप्पल का जूस उस पी रहे हैं तो पच जा रहा है। अब कोई भी चीज़ जैसे हम खाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे रोटी हुआ आधे टुकड़े दाल में भिगो के, दूध में भिगो के खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत जैसे पलटी हो जा रहा है, तुरंत वो बाहर निकल जा रहा है, तो उसके बाद शांति हो जा रहा है, नहीं तो जैसे बार बार जैसे लग रहा है कि पलटी होगा अभी। तो कोई भी वीडियो भी नहीं था, तो यहाँ पे देखिए ये सब हुआ। फिर यहाँ पर जैसे पैसा का जैसे कहते हैं ना, कभी कभी दिशा भगवान ऐसे कर देते हैं, संजोग ऐसे रहता है कि हर जगह से पैसा की बर्बादी होता है। कहीं भी देखिए छोटे मेडिकल पे आप दवा ले रहे हैं, छोटे डॉक्टर से दवा ले रहे हैं, वही आपको सूट कर देगा। इतने जगह से दवा लिए, सारी दवा हमारा बिगाड़ जा रहा है। अभी दवा देखिए लेकर आए हैं यहाँ पर, देखें तो आप लोग ये देख सकते हैं पहले, सारी दवा देखिए पहले है। तो दवा खाते खाते आप लोग तो जैसे देख रहे हैं कि 15-20 दिन से लगातार दवा चल रहा है हमारा, तो 15-20 दिन से दवा चल रहा है, इतना ज़्यादा 3-3 टाइम दवा को खाना पड़ता है, और दवा खाते खाते बिल्कुल बोर हो गए, खाने के लिए मन नहीं कर रहा है। तो पहली बात मेन चीज़ ये होता है, दिक्कत नहीं कि इतने बड़े बड़े कैप्सूल जब रहता है खाना पड़ता है तो उससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, जैसे गले में जाके फंस जाता है जैसे लगता है, नीचे के नहीं जाता है।
तो ये देखिए इतना सारा दवा भी दिए हैं, तो फिर बुलाए हैं एक हफ्ते बाद दवा के लिए फिर बुलाए हैं डॉक्टर। तो अभी देखिए अभी तो उतना आराम नहीं मिल रहा है कुछ, बाकी ये है कि जब से दवा के मतलब खाए हैं दोबारा दूसरा टिकिया खाए हैं तब से अभी पलटी नहीं हुआ कुछ भी खा रहे हैं। तो हल्का भी जूस वूस बोले हैं पीने के लिए, यही हल्का भोजन करने के लिए बोले हैं। खिचड़ी तो जैसे आप लोग से बताए 15 दिन से खिचड़ी हुआ, दाल का जूस हुआ, ये सब पी रहे थे। तो यहाँ पर देखिए यही दवा खा रहा है पहले। तो आप लोग से कहना चाहते हैं कि सभी माताएं भैया से कहना चाहते हैं कि हमारे चैनल को ऐसे भूल मत जाइएगा आप लोग। हमको यही दुआ करिए कि हम जल्दी से ठीक हो जाए, हम भी बहुत परेशानी सोच रहे हैं कि इतना देखिए चिप्स का जैसे रहता है, हर वीडियो सब लोग छोड़ रहे हैं, देख देख के हमको बहुत परेशानी हो रहा है कि हम छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, हमारे चैनल पर कुछ भी छूट नहीं पा रहा अच्छा से। जो वीडियो 5 मिनट का 6 मिनट का जो भी रहता पहले का वही छूट जा रहा है छोटे, उसमें हम सोच रहे हैं कि एक दिन भी कुछ ना आप लोग को नागा मच जाए, कुछ ना कुछ छूटते रहे। पहले आप लोग हमारी वीडियो में बने रहिए इसी तरह से, बस यही बनाइए कि हम जल्द से ठीक हो जाएं, कि आप लोग को अच्छी अच्छी रेसिपी फिर आप लोग को दिखाएं पहले। और जो रेसिपी आप लोग को पसंद हो बनाना हो पहले हमको कमेंट में करिएगा, तो हम जरूर आप लोग को बना के दिखाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर इतना ही वीडियो था, बोल नहीं जा रहा है आप लोग से, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं आप सभी से। लाइक करना आप लोग बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक नमस्कार।